तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटो को अपलोड करते हो और सिंपल में आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छे खासे कैमरे से अपनी फोटो को जो है शूट किया हुआ हूं, फिर कह सकते हो अपनी फोटो को कैप्चर किया हूं, लेकिन मैं जैसे ही अपने इंस्टाग्राम पर उसको अपलोड करता हूं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी में ऑटोमेटिक कन्वर्टेड हो जा रही है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मेरे दोस्त, अगर आप अपने इंस्टाग्राम से कोई भी फोटो को अपलोड करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं जिस क्वालिटी में फ़ोटो अपनी खींचा हूँ, कैप्चर किया हूँ, उस क्वालिटी में जब भी मैं अपलोड करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, तो उसकी जो क्वालिटी लो क्वालिटी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रही है। मेरे दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा इशू आ रहा है तो आज की वीडियो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सीधा बात करते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर टैप करोगे तो ऑप्शन आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरेज यूसेज, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे होता क्या है कि आपका इंटरनेट डाटा कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो आपके मोबाइल में इंटरनेट काफी ज्यादा लेने लगता है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जिससे होता क्या है कि अगर आपके एरिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अच्छी नहीं है तो वहां पर आपको लो क्वालिटी में वीडियो, फोटो या फिर कह सकते हो कोई भी आप वहां पर स्टोरी अपलोड की हो तो वो शो होने लगती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको मिनिमाइज कर लेना है, क्लियर कैच कर लेना है, क्लियर डाटा आपको कर देना है। ऐसे ही आप यहां पर क्लियर कर दोगे, उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, आपको बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद करना क्या है, सिंपल है, मैं आपको आपके प्ले स्टोर पर चले जाना और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको लॉग इन के लिए ऑप्शन देगा, आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया हूं। अब आपको यहाँ पे छोटी सी सेटिंग और करनी है। यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पे आपको थ्री लाइन पर टैप करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग पर जाना है और यहाँ पे आपको अकाउंट पर जाना है। अकाउंट पर जाने के बाद मेरे दोस्त आपको कहाँ जाना है, सेलुलर डाटा यूज़ में, सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा डाटा सेवर किया है यहाँ पे ऑन है। मेरे दोस्त, अगर आपका ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये आपके फ़ोन में क्या करता है कि आपको लो क्वालिटी में ही आपकी फ़ोटो शो कराता है। ये आपको आपकी फ़ोटो बहुत लो क्वालिटी में शो कराता है और दूसरे पर्सन की फ़ोटोज़ भी आपको लो क्वालिटी में शो कराता है। सिंपली आपको क्या कर लेना है, इसको ऑफ कर लेना है। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो मेरे दोस्त अब आपके एरिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन का इशू था हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि मेरा इशू सॉल्व नहीं हुआ है तो मेरे दोस्त, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपके एरिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चेक कर लेनी है कि आखिरकार अगर आपके एरिया की इंटरनेट जैसी कनेक्टिविटी होगी वैसे ही आपको क्वालिटी शो होगी फोटो की आपके इंस्टाग्राम पर। अगर अच्छी खासी क्वालिटी होगी आपके एरिया में इंटरनेट की तो अच्छी खासी क्वालिटी में शो होगा, अगर टेम्प्ररी वाली है तो टेम्प्ररी में शो होगा। सिंपल कह सकते हैं कि ये जो स्थायी समस्या नहीं है ये टेम्प्ररी है, कुछ समय के लिए होता है। नहीं कह सकते कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं होती है आपके एरिया में, कभी कभार लो क्वालिटी में हो जाती है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच यार।